ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आपको और आपके पूरे परिवार को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 9:09 से होगा, जो कि 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार की सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी को भक्त को व्रत रखना है और व्रत का पालन करना है। एकादशी व्रत का पारणा 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष के दिन सुबह 6:16 से 8:16 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधीन वह असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों को सेवा करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, फलहार करवाना, यह 6 कार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए। इनको करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के विशेष नियम और महत्व बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियम अंतर्गत सभी वैष्णवों को पालन करना ही चाहिए। एकादशी दो प्रकार की होती है, संपूर्णा और दूसरी विधवा। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। विधवा एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है, एक पूर्व विधा एक पराविधा। पूर्व विधा दशमी मिश्रित एकादशी को पूर्व विधा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूरज निकलने से 1:36 का समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया, तो ऐसी एकादशी पूर्व विधवा दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है और पुण्यों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है, वासरम दशमी विदम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पराविद्धा द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्धा एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित ग्राम संवत्र सर्वत्र एकादशी तिथि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्धा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाहरा और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी जब हिरण्याक्ष नहीं मर रहा था, तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, यह असुर आपकी दृष्टि मात्र से ही मर जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इसे मार नहीं पा रहे? तब भगवान जी बोले, ब्रह्मा जी शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी योक्ता एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई, इसलिए एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दशमी को व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और एकादशी को व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विधवा एकादशी का व्रत करने से दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मर नहीं रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करता है, उसके अंदर आसुरी शक्ति प्रवेश करती है और बढ़ जाती है। कलयुग में सब लोग मोहित हो रहे हैं और मोहित होकर दशमी विधवा एकादशी का व्रत करेंगे,
इसलिए दुनिया में अशांति बढ़ेगी। और जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए, तब सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, पतिव्रती रही और पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को जवाब दिया कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विधवा एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं पाप पड़े, उसी का परिणाम है कि आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा है कि दशमी विधवा एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश हो जाता है। एकादशी दशमी विधवा अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं। पुराणों में स्पष्ट मत लिखा है और मत मिलता है। अगर दशमी विधवा एकादशी हो तो दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी समाप्त हो रही हो तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही पारणा करना चाहिए। इसे शास्त्रों में बताया गया है और शास्त्र संवत है। यह जानकारी हम आपको तथ्य से बता रहे हैं, पुराणों के अनुसार बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन आपको ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करना चाहिए, दान कराना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, गौ माता की रक्षा व सेवा करना चाहिए। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक, यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इसी दिन चावल, लहसुन, शहद, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक 34 लिखा है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाम हम परे हमी भोक्ष्यामी पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। सूर्य भगवान को अर्घ दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और टाड़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारण करें। इस बार पापांकुशा एकादशी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को व पारणा का समय 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:16 से लेकर 8:16 तक रहेगी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसी विधि
तथा इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य शंख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की और शिव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ श्री का एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब उनकी देह में पाप वास करता ही रहता है और उनके देह में पाप घूमता ही रहता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन के देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के लोक विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी, छाता तथा जूती का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता रहता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाक्ष, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया, अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के द्वार नहीं देखना पड़ते और यम का दुख नहीं भोगना पड़ता है। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधित नामक
क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, भक्त जनों, माताओं बहनों, यदि आप एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी व्रत के पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके एकादशी का व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।